चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में दौसा के मंदिरों में भी घट स्थापना कर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनके साथ ही सत्संग कीर्तन भजन का भी आयोजन किया जा रहा है। आज से हमारे विक्रम संवत 2080 लागू हुआ है। नवरात्रा का बड़ा बहुत महोत्सव है। माँ दुर्गा माता मंदिर में 9 दिन तक बहुत बड़ा उत्सव होगा। पूरे दौसा के भक्त लोग यहाँ पर आराधना करेंगे, अपने जोत जलाएंगे और उनकी सबके मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दूसरा, यहाँ पर रोजाना सत्संग भी होगा और सुबह शाम महाआरती होगी। सब भक्त लोग आरती में अपनी पूर्ण हिस्सेदारी निभाएंगे और आरती करके माँ भगवती से मनोकामना पूर्ण करने की प्रतिष्ठा करेंगे। आज से माता रानी के चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे और 9 दिन तक माता रानी का मेला बना रहेगा और माता रानी सब पे खुशियाँ बरसाएगी और इस शहर के लिए, इस गांव के लिए और इस देश के लिए खुशियाँ लिए आएंगी। आज से हमारे हिंदू धरोहरों में चैत्र कृष्णचतुर्थी के वर्ष के नवरात्रे चालू है। माँ के 9 दिन सत्संग होगा और महिलाएं यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम करेंगी, भजन करेंगी, सत्संग करेंगी और सारी महिला मंडल माँ से आशीर्वाद पाएंगी। ये माँ सबको, हमारे देश को, महिला को, भक्तजनों को, सबको आशीर्वाद। आज चैत्र के नवरात्रि जो अपने हिंदू धर्म के अनुसार नया संवत माना जाता है, वो नवरात्रि स्थापना दिवस है और आज कलश स्थापना हो गई और 9 दिन तक इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ माता जी के दरबार में पाठ पूजन, भजन गायन, कीर्तन और जागरणा वगैरह होएंगे। धूप दीप से माता की आरती उतारी जाएगी, कन्याओं का पूजन किया जाएगा और इसी तरह 9 दिन तक माता से अरदास लगाई जाएगी कि पूरे देश को, पूरे विश्व को और हमारे दौसा और हमारे पूरे जो समाज है उस सबको कल्याण हो उनका और उन सबका आशीर्वाद दे जो सब फले फूले।